आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। आज मैं आप सब लोगों के लिए जो कहानी लेके आई हूँ वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के कहानियों के संग्रह में से एक है। इस कहानी का नाम है राही। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सज़ा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी। कितना अनाज था उसमें? होगा यही कोई 5-6 शेर। और सज़ा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं सरकार। उस दिन घर में खाने को कुछ भी नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाज की गठरी रखी हुई थी, बस उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कुछ कम सज़ा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा। अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, उनका बाप भी मर गया सरकार, जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वो भी मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मर गया? वो क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, बस उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दिला दी, वो वहीं मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा तू अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वो सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन गरीब के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर ये क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग अपने पेट के लिए भी अन्न की चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं, उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक ओर तो ये कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल का जीवन कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग हैं जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं? जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है? हम बड़े अभिमान से कहते हैं, ये हमारी 4थी जेल यात्रा है, ये हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य ये है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और न जाने क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में ये देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वो दार्शनिक हो रही थी।
उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनिता की विचारावली अनिता को ही खोए जा रही थी। उसे बार बार ये लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं, बस एक मजाक है। उसे आत्मग्लानी हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनिता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास ना घर है ना द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका ये विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वो कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल रहे हैं तो कल दूसरी जगह चोरी की। बच्चे तो बच्चे, नहीं तो फिर साल दो साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का बस यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता है? इतिहास, धर्म दर्शन, ज्ञान विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुँच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवनदान देने की अपेक्षा भी कोई महान पुण्य है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रह की ये प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने? अनिता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वो इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वो इन्हीं मांगरोरों लोगों के लिए काम करने के लिए इनके गांव पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई ढूंढते हैं। शाम को रोज़ उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है ये सरल भाषा में समझाया भी जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो जा रहे हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनिता अपने साथ रखने लगी है। अनिता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वो देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिताजी बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनिता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई।